अरे सुन तो लो भैया, चिल्लाओ ना। ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा चिल्लाने वाला कोई नहीं है। नहीं ये सुन लो, बात सुनो, अगर समय मिला है तो सुनने की क्षमता रखो। पूरे बजट में बड़ा ढिढोरा पीटा जा रहा है, लगता है कि पहली बार बजट पेश हुआ है। अनुशासन सीखो, दूसरे को अनुशासन देने से पहले ओम प्रकाश राजभर से अनुशासन सीखो। यही बैठ करके प्रस्तुत करता है राजभर। पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के लिए, ये तो मैं देख रहा हूं, अल्पसंख्यकों के लिए इसमें खाली डुगु डुगु हिल रहा है। कुछ नहीं है। सरकार ने एक योजना बनाई है टैबलेट और मोबाइल बांटने का। बांट किसको रहे हैं? जिसके पास फोन है, एप्पल का मोबाइल है, उसको मोबाइल 10,000 की दे रहे हैं। जिसके पास, अरे आप बांट रहे हो, क्या बात कर रहे हैं, सबको हम कहां कहां रख नहीं दे रहे हैं। मेरा बात तो सुन लो आप। मेरा कहने का तात्पर्य है, 1 करोड़ आप बांट रहे हो, लेकिन जनरल बांट रहे हो। जिसके पास एप्पल फोन है, जिसके पास टैक्स दे रहा है, जो अमीर है, सबको दे रहा है एक समान। एक क्राइटेरिया बना लो, गर्मी के मौसम में भी ओला पड़ने लगा है, गर्मी के मौसम में भी ओला पड़ने लगा है, जिसका पेट भरा है वो बेवजह लड़ने लगा है। गर्मी के मौसम में भी ओला पड़ने लगा है, जिसका पेट भरा है वो बेवजह लड़ने लगा है। उसमें लिखा हुआ है कि एक देश एक राशन कार्ड, एक उद्योगपति। एक देश एक राशन कार्ड। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक केस की बात हो रही है, तो एक देश एक समान शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही है? अब पिछड़े समाज के लोगों सोचो, तेरी आबादी 52% है, और तेरी बेटी की शादी के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था में 0 बैलेंस कर दिया गया है। कोई एजेंसी तय हो जाए जो डाटा देती हो, हम लोग भी डाटा दे तो कहीं हम लोग उस घेरे में ना आ जाए। दिया है आपने 1200 करोड़, और जरूरत था 2200 करोड़ की, भारी भरकम बजट। ये 10 लाख बच्चे कहां जाएंगे छात्रवृत्ति और सुल्फत पूर्ति के लिए? माननीय अधिष्ठाता महोदय, बैठे बैठे मैं सुन रहा था, इधर के लोग कह रहे हैं 4 बार सपा की सरकार, 4 बार बसपा की, कांग्रेस की तो लंबे समय। इधर के लोग कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी मैं कल की घटना बताऊं, जो काम 4 बार में समाजवादी पार्टी बसपा ने नहीं कर पाया, वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरठ में थाने पर बैनर लगा दिया गया कि सत्ता पक्ष के भारतीय जनता पार्टी के लोगों का थाने में आना मना है। ये काम इधर के लोग नहीं कर पाए, ये इनकी सरकार में नहीं हो पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैनर लग गया थाने पर कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आना सख्त मना है, थाना प्रभारी। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, अभी सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग बोलते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कहां से आंकड़ा लिया दिए, उधर के लोग बोलते हैं तो इधर के लोग कहते हैं कहां से आंकड़ा लिया दिए। ये कोई तय हो जाए, सत्ता पक्ष के लोग तय कह दे कि यहीं से आंकड़ा निकालिए, कम से कम एक तय हो जाए कि यहीं से आंकड़ा आवे। अभी हमारे सत्ता पक्ष के साथी भी, अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे आंकड़े पर, हम 5 साल पिछले कार्यकाल में भी थे, कुछ दिन उधर वाले भी गोल में थे, और ज्यादा इधर वाली गोल में है, ज्यादा इधर वाली गोल में है। अरे सुन तो लो भैया, चिल्लाओ ना। ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा चिल्लाने वाला कोई नहीं है। नहीं ये सुन लो, बात सुनो, अगर समय मिला है तो सुनने की क्षमता रखो। अनुशासन सीखो, दूसरे को अनुशासन देने से पहले ओम प्रकाश राजभर से अनुशासन सीखो। यही बैठ करके प्रस्तुत करता है राजभर। ऐसे नहीं बोलता हूं, बात सुनो, समझो।
माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री वित्त मंत्री जी भी हैं, कोई एजेंसी तय हो जाए जो डाटा देती हो, हम लोग भी डाटा दे तो कहीं हम लोग उस घेरे में ना आ जाए, ताकि सत्ता पक्ष के लोग कहना नहीं सही है। दूसरी चीज, माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, 21-22 के बजट में मैंने पढ़ा, पूरा बैठ करके सुना भी और दो दिन से पढ़ रहा हूं, पूरे बजट में बड़ा ढिढोरा पीटा जा रहा है, लगता है कि पहली बार बजट पेश हुआ है। 57 से चुनाव हो रहे हैं, 57 से जो भी सरकारें बनी सभी लोगों ने अपना अपना बजट पेश किया। 57 में क्या आबादी थी, 27 में क्या आबादी है, तुलना कर लीजिएगा तो आप बता दीजिएगा कि बजट कम है कि ज्यादा है। पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान पिछले बजट में 200 करोड़ रुपया था, बेटियों की शादी के लिए 200 करोड़ रुपया मिलता था, इस बार के भारी भरकम बजट में इतना दे दिया कि 52% आबादी में कोई पिछड़ी जाति की बेटी शादी करने लायक है ये नहीं, 0% दे दिया। दिखवा लीजिएगा माननीय वित्त मंत्री जी, 0% है, 0। अब पिछड़े समाज के लोगों सोचो, तेरी आबादी 52% है और तेरी बेटी की शादी के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया उस व्यवस्था में 0 बैलेंस कर दिया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी दिखवा लीजिएगा, पूर्वांचल दिखवा लीजिएगा, चूंकि बड़ा शहर, अभी हमारे बड़े भैया बड़ा तगड़ा शहर सुना दिए, हम 2-3 दिन से, हमारे वित्त मंत्री भी कुछ सुना दिए, इधर से भी कुछ सुना दिया गया, कुछ इधर से भी नहीं, कहीं कहीं से सुन लिया। गर्मी के मौसम में भी ओला पड़ने लगा है, गर्मी के मौसम में भी ओला पड़ने लगा है, जिसका पेट भरा है वो बेवजह लड़ने लगा है। पूर्वांचल के पिछड़े वर्ग के बच्चों का सपना होता है कि हम सब भी पढ़ लिख करके डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बने, लेकिन बहुत से ऐसे पिछड़ी जाति में गरीब कमजोर लोग हैं जो इलाहाबाद दिल्ली जाकर के शिक्षा हासिल नहीं कर सकते, खर्चा नहीं उठा सकते। भाजपा के संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, माननीय अधिष्ठाता महोदय वित्त मंत्री जी का ध्यान चाहूंगा, भाजपा के संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, ओबीसी युवाओं को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाए जाने का संकल्प है। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, यह संकल्प सिर्फ संकल्प पत्र में छपकर न रह जाए, क्योंकि भारी भरकम बजट में इसके लिए कोई प्राविधान नहीं रखा गया है। बजट में सरकार वास्तव में पिछड़े वर्ग की हितैषी है तो देश की सर्वोच्च कोचिंग में पिछड़े वर्ग के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करे और फीस की व्यवस्था सरकार अपने बजट से करे। माननीय वित्त मंत्री जी, जरा दिखवा लीजिएगा अपना संकल्प पत्र, हम ले आते हैं रोजगार। अभी सत्ता पक्ष के सहयोगी साथी बड़ी ताव से बोल रहे थे रोजगार के, अधीनस्थ चयन आयोग 3 साल में एक भी परीक्षा पास करा करके एक भी नौकरी नहीं दिलाई। अब आप लोग कहेंगे ई रिकॉर्ड आंकड़ा कहां से लिया दिए, दिखवा लीजिएगा, अधीनस्थ चयन आयोग 3 साल में एक भी परीक्षा पास कराकर एक भी नौकरी नहीं दिलाई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो भी परिणाम आए हैं उसका विश्लेषण किया जाए तो अधिकांश परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के युवाओं की मेरिट सामान्य से भी अधिक है। ऐसे आरक्षण का क्या फायदा, पिछड़े समाज को फायदा क्या मिल रहा है, इसलिए जातिवार जनगणना कराना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 1931 में ही जातिवार जनगणना हुई,
उसके बाद जातिवार जनगणना नहीं हो पाई, पिछड़े वर्ग के साथ धोखा पर धोखा किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, पूरे बजट में जातिवार जनगणना कराने का एक पैसे का बजट नहीं है, पूरे भारी भरकम बजट में। कोर्ट का आदेश, गोंड और खरवार जाति का, हाई कोर्ट के आदेश पर सपा बसपा सरकारों में अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र तहसीलों में बनाया जाता था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से खरवार और गोंड जाति का तहसीलों में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनाना ही बंद करा दिया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऐसा भेदभाव गोंड खरवार जाति के साथ क्यों, इनके साथ अन्याय क्यों, इनका जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाए। स्वास्थ्य, बड़ी चर्चा हो रही है, सरकार मेडिकल कॉलेज बना रही है, बड़ी खुशी बात है, एम्स बना रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीएससी और सीएससी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसकी दुर्दशा देख लीजिए। डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, फोन करने पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। इस बजट में इन सुविधाओं को सुधारने का कोई बजट नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी, देख लीजिएगा, अब आते हैं शिक्षा। बिना शिक्षा के ना समाज, ना प्रदेश, ना देश कोई तरक्की नहीं कर सकता। बारे भाई बजट, एक देश एक राशन कार्ड। वित्त मंत्री जी खड़ा होकर बड़ी देरी ले, एक घंटा के ऊपर पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि एक देश एक राशन कार्ड, एक उद्योगपति। एक देश एक राशन कार्ड। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक टेस्ट की बात हो रही है, तो एक देश एक समान शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही है? अब आते हैं हम छात्रवृत्ति पर। पिछले साल 21-22 के बजट में 65% के नीचे पिछड़े वर्ग के युवाओं को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिली, लगभग 10 लाख पात्र छात्र दर दर भटक रहे हैं। कारण, 52% आबादी है, पिछड़े समाज के चुन के आए हुए विधायक गण साथी, 52% तेरी आबादी। मैं रहा सदन में जब उस गोल में था, तो माननीय मुख्यमंत्री से लड़ करके 900 करोड़ से बढ़ा करके 1650 करोड़ ले गया, तब 50% के लगभग बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने का व्यवस्था बनी। लेकिन आज क्या हो गया, सरकार ने 1400 करोड़ का बजट दिया, लेकिन 1600 400 करोड़ भेज दिया कि दिल्ली देगा, केंद्र देगा। अब तक का इतिहास उठा के देख लीजिएगा, 200 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार ने कभी बजट नहीं दिया है। दिया है आपने 1200 करोड़, और जरूरत था 2200 करोड़ की, भारी भरकम बजट। ये 10 लाख बच्चे कहां जाएंगे छात्रवृत्ति और शुल्क पूर्ति के लिए? वोट तो हमको भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन ये छात्रवृत्ति कौन दिलाएगा? ये मेरे घर का सवाल नहीं है, ये 52% आबादी का सवाल है। इस नाते हम आपका ध्यान माननीय अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा। हाई कोर्ट का एक आदेश है, माननीय, आपने भी आश्वासन दिया है, पीठ से भी मिला, मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में कहा, 27 अगस्त 2020 को आरक्षण में वर्गीकरण का हाई कोर्ट का आदेश, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 4 साल से आप रद्दी की टोकरी में रखे हो। आपने कहा था कि लागू करूंगा, सरकार चली गई, दूसरी सरकार आ गई, नहीं हो पाया। और अभी अभी 2 महीना पहले एक आदेश आ गया, हाई कोर्ट आज की यूपी गवर्नमेंट टू डिसाइड एंड इंक्लूड अ भर राजभर कम्युनिटी इन एसटी लिस्ट। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करे। 2 महीना बीत गया, सरकार का कोई उत्तर नहीं आया।
आदेश की कॉपी चाहेंगे तो अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से पहुंचा दूंगा। और सरकार गलत फैसला, मेरी बात अगर गलत होगी तो मैं फिर कह रहा हूं, सरकार ने एक योजना बनाई है टैबलेट और मोबाइल बांटने का। बांट किसको रहे हैं? जिसके पास फोन है, एप्पल का मोबाइल है, उसको मोबाइल 10,000 की दे रहे हैं। जिसके पास, अरे आप बांट रहे हो, क्या बात कर रहे हैं, सबको हम कहां कहां रख नहीं दे रहे हैं। मेरा बात तो सुन लो आप, मेरा कहने का तात्पर्य है, 1 करोड़ आप बांट रहे हो लेकिन जनरल बांट रहे हो। जिसके पास एप्पल फोन है, जिसके पास टैक्स दे रहा है, जो अमीर है सबको दे रहा है एक समान। एक क्राइटेरिया बना लो, एक क्राइटेरिया कहने का तात्पर्य कर लो, गरीब को दो, समराइज कर लीजिए, 12 मिनट हो गए हैं। और समराइज कर लीजिए माननीय सदस्य। अब ये आपका काम है, अमीर को मलाई खिलाओ, गरीब को भी चटनी चटाओ। महंगाई, पूरे बजट में महंगाई कैसे काबू पाया जाए, 25 करोड़ आबादी को कैसे राहत पहुंचाया जाए, कोई ठोस उपाय नहीं। और बिजली, माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऊर्जा मंत्री जी चले गए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि जो बिजली का मीटर लगा है वो हवा से भी मीटर चल रहा है इस समय। मैं निवेदन करूंगा कि 10 प्राइवेट इस दुकान से 10 मीटर खरीदवा लीजिए और 10 जगह उपभोक्ता के यहां लगवा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जितने मीटर लगे हैं वो दिन दूना रात चौगुना मीटर फेंक रहे हैं। अगर आप 7 रुपया यूनिट बिजली दे रहे हो तो 12 से 14 रुपया वो बिल दे रहा है, ये जो मीटर लगा हुआ उसका रिजल्ट आ रहा है। इस नाते सरकारी प्राइवेट दुकानों से 10 मीटर खरीदवा करके उपभोक्ता के यहां लगवा करके आप चेक करा लो, तब समझ में आ जाएगा। समराइज कर लीजिए। और गौशाला पशुओं को खिला 30 रुपया में गाय भैंस खियावल जाता, गाय आदमी का तो 30 रुपया में पेटा नहीं भराता, आदमी का तो 30 रुपया में पेटा नहीं भराता। यहाँ हमने जितना लोग भाई भाई, 30 रुपया में कोई खा पाई का? कोई 30 रुपया में खा पाई? अरे 30 रुपया में गाय के खियावे का देखभाल माल। पूरे बजट में 30 रुपया। माननीय वित्त मंत्री जी जरा देखवा लीजिए, 100 गाय जाके तो बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, उधरिया बहुत गौशाला खुले, फोटो मंगवा लीजिए या डीएम से मतलब चेक करा लीजिएगा। हालत वो हो गई है गौशालाओं की कि जो गाय स्वस्थ गई गौशाला में इस समय डुगुर डुगुर कर रही है। ऐसे डुगुर डुगुर कर रही है कि जैसे लग रहा कल मर जाए कि आज मर जाए। माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए। अगर किसी को भोजन दो तो पेट भर दो, 30 रुपया काहे की है वो भाई, कम से कम। तो माननीय सदस्य प्लीज समराइज कर लीजिए, 15 मिनट हो गए हैं प्लीज। अरे माननीय माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी क्षमा करिएगा, हम पूर्वांचल से आईला, हमारे फसल डुगु डुगुर का मतलब हिला था। आपके ही साथी बहुत लोग बोलना चाहते हैं। अरे हम कहां, आप समराइज कर लीजिए माननीय सदस्य। आप उस कुर्सी पर होते मना कर देते तो मैं बैठ गया होता भैया, आप उस कुर्सी पर होते मना कर देते तो मैं बैठ गया होता। माननीय सदस्य महोदय ने एक बार भी नहीं कहा, मैंने 3 बार बोल चुकी हूँ सर, आपको समराइज कर लीजिए, 3 बार सर मैंने बोल दिया, आप समराइज कर लीजिए। आपका आदेश तो प्रकाश राजभर, प्लीज समराइज कर लीजिए जल्दी से। मंत्री जी नहीं समझ पाए, डुगुर डुगुर का मतलब होगा हिल रही है, कमजोर हो गई है, खाने बगैर मर रही है, ये डुगुर डुगुर का मतलब है। अधिष्ठाता महोदय आपने इशारा किया कि समय नहीं है, ये पूरा बजट समय पूरा हो गया, पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के लिए, ये तो मैं देख रहा हूँ, अल्पसंख्यकों के लिए, इसमें खाली डुगु डुगु हिल रहा है, कुछ नहीं है। हम अपनी बारी को ही विराम देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।